So today we will discuss about adolescence stage of development, stage of human development. First of all, here I will cover the topic introduction, meanings and definition, distinctions between growth and development, stages of growth and development, general principles, factors influencing growth and development, educational implications, then characteristics, like characteristics mein like physical, emotional, intellectual, social, iske bare mein hum discuss karenge. Need of adolescence mein thode se kuch points mention kiye hain, but we have the separate topic on that, wo uske bare mein detail mein hoga, lekin isme maine bas thode se points pe bhi mention kar diye hain, and importance of study of adolescence. So first of all, introduction. एडोलेसेंस क्या होता है? लाइक एडोलेसेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पीरियड ऑफ इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट विद विच द टीचर हैज टू डील. पेरेंट्स, टीचर्स एंड एजुकेशनिस्ट हैव द वाइटल रोल टू प्ले इन द लाइफ ऑफ द एडोलेसेंस. हेंस दे शुड हैव द नॉलेज ऑफ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस. मतलब हम सभी को पता है कि एक स्टेज होती है एडोलेसेंस, सभी की लाइफ में आती है, सभी उस स्टेज से आए, अभी सब लोग गुजर चुके हैं. और वो जो स्टेज एडोलेसेंस, जिसको टीनेजर भी बोलते हैं, जो हम टीनेज लेवल में आते हैं उस स्टेज पे, तो वो कितना क्रूशियल होता है और बहुत ही नाजुक वक्त होता है. उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं. तो उस स्टेज में सबसे ज़्यादा रोल जो है, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं लाइक पेरेंट्स, टीचर्स और जो एजुकेशनिस्ट होते हैं, उनका रोल बहुत ही मुख्य होता है, बहुत मुख्य भूमिका निभाते हैं एडोलेसेंस को गाइड करने में. क्योंकि उस स्टेज में वो जो टीनेजर्स जो होते हैं, वो ऐसे दौर से गुजर रहे होते हैं, उनके उनके ऊपर मतलब उनके साथ इतने सारे चेंजेस उनमें हो रहे होते हैं, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, सोशली हो. तो ऐसे में उनको एक सही गाइडेंस की बहुत ही ज़रूरत है, और अगर उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिलता है तो फिर इसमें उनका मतलब कुछ बैड इफेक्ट हो सकता है और उनका नुकसान हो सकता है. देन लेट्स डिस्कस अबाउट द मीनिंग एंड डेफिनेशन. सो एडोलेसेंस रिफर्स टू अ पीरियड ऑफ डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड. इट इज़ अ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशनरी चेंज. मतलब एडोलेसेंस जो ये स्टेज है, इसमें क्या होता है कि एक तो चाइल्डहुड को पार कर चुके हैं, बचपन की जो दहलीज होती है उसको क्रॉस कर लिया है, और अब एडल्टहुड की जो जो स्टेज है उसमें अभी जाने वाले हैं. बट अभी रीच मतलब वो रीच नहीं किए हैं, अभी पहुंचे नहीं है, बट दे आर इन द मिडल. ना वो इधर के होते हैं ना वो उधर के होते हैं, अभी तो वो ना वो बच्चे होते हैं ना ही वो पूरे एडल्ट होते हैं. तो इसी उसी बेसिस पे कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं. लाइक सबसे पहले एटाइमोलॉजिकल डेफिनेशन. एटाइमोलॉजिकल डेफिनेशन मतलब ये कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसका ओरिजिनल मतलब ओरिजिन इसके बारे में, ये वर्ड ओरिजिन कहाँ से हुआ है. द टर्म एडोलेसेंस कम्स फ्रॉम द वर्ड एडोलिसे विच मीन्स टू ग्रो और टू ग्रो टू मैच्योरिटी. ये एटाइमोलॉजिकल डेफिनेशन है. देन बायोलॉजिकल एंड क्रोनोलॉजिकल डेफिनेशन के हिसाब से, क्रोनोलॉजिकल डेफिनेशन मतलब कि एक काल क्रम के हिसाब से, लाइक अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू डेट्स और इवेंट्स, उस हिसाब से भी इसको डिफाइन किया गया है. दैट एडोलेसेंस इज द स्टेज व्हेन प्यूबर्टी डॉन्स. प्यूबर्टी डॉन्स मतलब कि प्यूबर्टी की शुरुआत हो रही है. एंड क्रोनोलॉजिकली दिस इज द स्पैन ऑफ लाइफ रेंजिंग फ्रॉम 12 to 18 ईयर्स एंड हैविंग इंडिविजुअल एंड कल्चरल डिफरेंस. और ये इसकी जो शुरुआत है ये 12 साल की उम्र से शुरू हो जाती है, और 18 साल तक का जो ये टाइम होता है तो ये एडोलेसेंस स्टेज का में आता है. और इसमें जो है इंडिविजुअल का काफ़ी डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस वगैरह देखे जाते हैं. तो ये हो गया बायोलॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल डेफिनेशन. देन सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन. सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन में सोशियोलॉजिकली एडोलेसेंस इज अ ट्रांजिशनल पीरियड from dependence on parents to self-sufficient adulthood. Sociologically, अगर इसको डिफाइन किया जाए तो एडोलेसेंस क्या है? एडोलेसेंस एक ऐसा ट्रांजिशन पीरियड, वो एक ट्रांजिशन स्टेज है जो एडल्ट चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच में एक ट्रांजिशन स्टेज है, उसमें जहाँ पे वो अभी इतने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते. वो डिपेंडेंट हैं, होते हैं, बट वो होना नहीं चाहते. And they want to be self-sufficient adulthood. Next, cultural definition. Cultural definition में culturally adolescence period varies from community to community.
In some communities, marriage among boys and girls take place quite early, as early as 13 or 16 years of age. कल्चरल डेफिनेशन में एडोलेसेंस जो एज है वो उसको वैरी कर उसमें डिफरेंस देखा गया है कि कुछ कहीं कहीं किसी कम्युनिटी में एडोलेसेंस जल्दी हो जाता है, किसी कम्युनिटी में एडोलेसेंस को और लाइक उसमें थोड़ा सा कुछ डीले होता है. कुछ कुछ कम्युनिटी में क्या देखा जाता है, जैसे कि अमेरिका में क्या है कि मैरिज की जो एज है यंग बॉय और गर्ल्स में वो 16 ईयर्स होती है. 16 ईयर्स में गर्ल मैरिज कर सकती है, और हमारी कंट्री में इट इज 18 ईयर्स. यस, तो ऐसा कल्चरली भी एडोलेसेंस पीरियड को थोड़ा सा उसमें इट वैरीज फ्रॉम कम्युनिटी टू कम्युनिटी. और कुछ कुछ कंट्रीज में ये भी देखा गया है कि जो एडोलेसेंस जो एज है वो और भी जल्दी 9 ईयर्स की एज से भी स्टार्ट हो जाती है. कहीं कहीं पे वो प्यूबर्टी के जो उनके जो साइन होते हैं डॉन ऑफ प्यूबर्टी 9 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाती है. किसी किसी कम्युनिटी में ये भी देखा गया है. देन साइकोलॉजिकल डेफिनेशन. साइकोलॉजिकली एडोलेसेंस इज अ मार्जिनल सिचुएशन विच इन्वॉल्व साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट. इट डिफ्रेंशिएट्स द चाइल्डहुड बिहेवियर फ्रॉम द एडल्टहुड बिहेवियर. इसको साइकोलॉजिकली भी डिफाइन किया गया है. साइकोलॉजिकली इसमें यह बताया गया है कि एक ये थिन मार्जिन होता है, मतलब एक मार्जिनल ऐसा सिचुएशन होता है जो बहुत ही नाजुक लाइन होती है, एक नाजुक सी मार्जिन होती है जिसमें कि साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्बेंस भी देखा जाता है. मतलब वो चाइल्डहुड से को कंप्लीट करके अब वो एडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं तो उसमें बहुत सारे चेंजेस है, क्योंकि जब ट्रांजिशन पीरियड होता है तो बहुत सारी चेंजेस देखी जाती हैं. तो साइकोलॉजिकली वो लोग डिस्टर्बेंसेस होते हैं उनके अंदर, और प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट भी होता है, लाइक सोशली उनके अंदर प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट होते हैं सोशली, क्योंकि उनमें इमोशंस भी बहुत डेवलप हो रहे होते हैं. वो बहुत उनके इमोशंस बहुत एक्सट्रीम में हो जाते हैं, या तो बहुत एंगर हो जाता है उनको, या तो फिर उनको बहुत ही ज्यादा मतलब ये बहुत ही मतलब कमजोर वीक फील करते हैं, या मतलब ऐसे में उनके अंदर चेंजेस होते हैं. कभी कभी बहुत लाइक कभी स्ट्रांग हो जाते हैं तो कभी बहुत वीक हो जाते हैं. तो प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट होता है इनके अंदर, एंड इट डिफरेंशिएट्स द चाइल्डहुड बिहेवियर फ्रॉम द एडल्टहुड बिहेवियर. ये चाइल्डहुड बिहेवियर और एडल्टहुड बिहेवियर को डिफरेंशिएट करते हैं, बिकॉज जैसे कि पहले बताया कि चाइल्डहुड बिहेवियर ये अभी चाइल्डहुड नहीं चाइल्ड है नहीं और ये अभी एडल्ट भी नहीं है, तो ये अभी बीच में ही है. तो इस वजह से इनको ये चेंजेस फील करते हैं बहुत सारी, साइकोलॉजिकली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी. तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है उनको एडजस्टमेंट में. देन बीच एंड हंट हैव रिमार्क्ड द वन वर्ड विच बेस्ट कैरेक्टराइजेस एडोलेसेंस इज चेंज. द चेंज इज फिजियोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल. तो ये हर तरीके का चेंज इसमें एडोलेसेंस में देखा गया है एक साथ. फिजियोलॉजिकली भी चेंज हो रहे होते हैं. फिजियोलॉजिकली कैसे चेंज हो रहे होते हैं कि ग्रो होते हैं, ग्रो होने से उनके अंदर बायोलॉजिकल और हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उनके अंदर उनके बॉडी पार्ट्स ग्रो हो रहे होते हैं हार्मोन्स की वजह से भी. जो भी उसमें हार्मोन से जो भी सिम्टम्स होते हैं हार्मोन की वजह से, लाइक पिम्पल्स, हेयर ग्रोथ, ये इस टाइप की चेंजेस. सोशियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, क्योंकि अब वो पेरेंट और उनकी छोटी सी दुनिया नहीं होती, अब वो थोड़े से मतलब कि थोड़े बड़े इन्वायरमेंट में आते हैं सोशली, क्योंकि वो थोड़े सीनियर हो रहे होते हैं तो सोशली थोड़ा सा उनको ज्यादा मिंगल करना होता है. तो सोशियोलॉजिकल चेंजेस एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस ऑल्सो. साइकोलॉजिकल चेंजेस इन टर्म्स ऑफ लाइक इमोशंस और फीलिंग्स, मतलब ये सारे चेंजेस भी देखे जाते हैं एडोलेसेंस में. Then the incidence of this period greatly affect the whole personality of the individual. That is why it has been called the most crucial period. कि ये जो इसमें जो इस period में जो भी incidents होते हैं, कुछ भी अगर कुछ भी ऐसा incident होता है तो इनकी पूरी personality को affect करता है, और इसीलिए इसको बहुत ही crucial period कहा जाता है. ऐसे stage में हम इन बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे की तरह एकदम कान पकड़ के या एकदम strict भी नहीं हो सकते, और बहुत ज़्यादा इनको freedom भी नहीं दे सकते. तो बहुत ही उसको इतना crucial period होता है, तो इसी में parents और teachers और educationists का ये role होता है कि इनको बहुत ही अच्छे से बहुत patient के साथ handle किया जाए. Next, let's discuss about growth and development, meaning and distinctions. Like इधर हम discuss करते हैं कि growth और development एक दूसरे से distinct है. First of all, growth. Hello, am I audible?
हेलो यस 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 ऑडिबल अच्छा आई थॉट आई गॉट डिसकनेक्टेड और व्हाट ओके सो फर्स्ट इज ग्रोथ द टर्म ग्रोथ इज यूज्ड इन फिजिकल सेंस इट रिफर्स टू इंक्रीज इन साइज लेंथ हाइट एंड वेट ग्रोथ का मतलब ये होता है कि फिजिकल सेंस में देखा जाता है जो हम खुद देख सकते हैं आंखों से ऑब्जर्व कर सकते हैं जिनको जैसे कि हाइट इन टर्म्स ऑफ हाइट साइज कोई साइज में बड़ा है किसी का टॉल है कोई किसी का वेट ज्यादा है तो ये ग्रोथ है डेवलपमेंट को कैसे इसका मीनिंग कैसे इसको डिफाइन किया गया है कि डेवलपमेंट इम्प्लाइज ओवरऑल चेंजेस इन शेप फॉर्म और स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन इम्प्रूव्ड वर्किंग और फंक्शनिंग डेवलपमेंट ओवरऑल चेंज होता है इन फॉर्म ऑफ शेप भी स्ट्रक्चर भी और उनकी जो फंक्शनिंग है उनका जो वर्किंग है उनके जो स्किल्स वर्किंग में स्किल्स भी आ गए या जो भी वो परफॉर्म करते हैं वो भी उसमें इम्प्रूवमेंट होती है दैट इज डेवलपमेंट सेकेंड पॉइंट इज इन द डोमेन ऑफ ग्रोथ चेंजेस आर इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ये क्वांटिटेटिव होता है क्वांटिटेटिव मतलब कि वी कैन मेजर इट हाइट को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर फीट और वेट को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ केजी तो ये क्वांटिटेटिव है बट इन द डोमेन ऑफ डेवलपमेंट द चेंजेस आर क्वालिटेटिव रादर देन क्वांटिटेटिव ये क्वालिटेटिव है क्वालिटेटिव इन द सेंस कि ये जो फंक्शन करते हैं जो भी परफॉर्म करते हैं जो भी ये लोग मतलब जितने ये लोग स्किल्ड होते हैं जितना ये लोग यू नो सोशली इमोशनली और फिजिकली ये लोग जितने डेवलप होते हैं तो फिर क्वालिटी इनमें देखा जाता है इनका क्वालिटी ऑफ वर्क के बेसिस पे इन्हें जज किया जा सकता है मतलब ये चेंजेस हम देखा जाते हैं क्वालिटी चेंज क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं इनमें देन थर्ड पॉइंट इज ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस ग्रोथ डेवलपमेंट का पार्ट है डेवलपमेंट में लाइक क्वालिटी भी होती है उसमें एंड उसमें ग्रोथ भी देखा जाता है डेवलपमेंट इट इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट बट डेवलपमेंट इज अ वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म इट रिफर्स ओवरऑल चेंजेस इसमें ओवरऑल चेंज देखा जाता है डेवलपमेंट में नॉट ओनली कि वो बच्चा बड़ा हो रहा है कि वो उसका एज में वो हाइट में बड़ा है वो एज में बड़ा है नहीं इसके इंक्लूडिंग वो अपनी परफॉर्मेंस उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है या उसका जो फंक्शन है उसका जो सोसाइटी में रहने का उठने बैठने का तरीका है या जो उसका इमोशनल फीलिंग्स है वो सब कितने डेवलप है मतलब ओवरऑल चेंजेस ये तो कहा जा सकते हैं कि डेवलपमेंट ये वाइडर है ग्रोथ से बड़ा है देन ग्रोथ डिस्क्राइब्स द चेंजेस व्हिच टेक प्लेस इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ग्रोथ जो है ये डिस्क्राइब किया जा सकता है इट्स अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी और ये बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बेसिकली ग्रोथ जो है वो पार्ट ही बोलेंगे कि जैसे इन टर्म्स ऑफ ये हाइट है या इसका फिजिकल जो क्वालिटी है लाइक वो इज बिकमिंग टॉल और वेट इसका वेट ज्यादा है इस टर्म्स में इसको मतलब डिस्क्राइब किया जा सकता है अगर ऐसे चेंजेस होते हैं तो बट डेवलपमेंट डिस्क्राइब्स द चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म एज अ होल एंड डज नॉट लिस्ट द चेंजेस इन पार्ट सिर्फ वो पार्ट ही नहीं होता बट इट इज एज अ होल दोनों इंक्लूड कर सकते हैं ग्रोथ भी फिजिकल जो चेंजेस है वो भी एंड डेवलप लाइक क्वालिटेटिव भी लाइक फंक्शंस और इमोशंस और दूसरे एस्पेक्ट्स में भी ग्रोथ का एक ही एस्पेक्ट होता है बट इसका एस्पेक्ट डेवलपमेंट का एस्पेक्ट थोड़ा वाइडर है ज्यादा है इट्स इंक्लूड्स ओवरऑल सब कुछ देन ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ इट स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी हैज बीन अटेंड ग्रोथ ऑब्वियसली ग्रोथ हमेशा लाइफ तक नहीं रहेंगे हम लोग लाइफ तक एंड तक नहीं बढ़ते रहेंगे एक टाइम आएगा कि हम लोग लाइक चाइल्डहुड स्टेज चाइल्डहुड से फिर टीनेज एडोलेसेंस से फिर एडल्टहुड तक अपनी ग्रोथ होती रहेगी लेकिन उसके बाद फिर स्टॉप हो जाएगा और नहीं लंबे होंगे कि जिंदगी भर लंबे होते जाएंगे या जिंदगी भर हमारे यहाँ ग्रोथ होती जाएगी उसके बाद फिर थोड़ा सा डिक्लिनेशन होगा लेकिन ओल्ड एज की तरफ जाएंगे जो अपने बॉडी में जो बनना है वो बन चुका है जो भी फॉर्म होना है वो हो चुका है अब और डेवलप नहीं होगा अब जो है वो थोड़ा सा ओल्ड एज की तरफ जाएगा लाइक इट विल नॉट ग्रोथ विल नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ एक टाइम तक मेच्योरिटी अटेंड करने तक स्टॉप हो जाता है बट डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस इट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल डेवलपमेंट ये जिंदगी भर मरते दम तक ये चलता रहेगा कैसे चलता रहेगा कि हम इमोशंस हमारे डेवलप होंगे हम ज्यादा विजडम हमें वाइज ज्यादा होते हैं जैसे जैसे एज होगा
एज बढ़ेगा, एक्सपीरियंस जितना होगा उतना ही ज्यादा विजडम होगा, उतना ही ज्यादा वाइज होगा, और लाइफ टाइम तक हम उसमें सीखते ही रहेंगे, मतलब हमें मिलता रहेगा, हम उसको कभी डेवलपमेंट हमारा कभी स्टॉप नहीं होगा। तो इस टर्म में मतलब विजडम के फॉर्म में कह लो या एक्सपीरियंस के फॉर्म में कह लो, जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस रहेगा टिल द एंड ऑफ लाइफ। होप यहाँ तक क्लियर है, इज इट क्लियर? यस ओके नेक्स्ट। द चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोथ आर सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट आर द सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट दे मे बी क्वांटिफाइड एंड आर ऑब्जर्वेबल इन नेचर। ये जो चेंजेस हैं ये मेजर मतलब सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट, इसको मेजर किया जा सकता है, इसको क्वांटिफाई किया जा सकता है और इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, ये दिख सकता है। मेजर कर सकते हैं कि कोई कितना लंबा है, इसका वेट कितना है, ये कितना साइज में बड़ा है, उसको यूनिट देके क्वांटिफाई कर सकते हैं कि ही इज इतना सेंटीमीटर टॉल या फिर ही इज इतना मतलब इतना वेट है, और ऑब्जर्व भी करके सामने दिख सकता है, सामने ही देख सकते हैं कि जैसे एक क्लास में ये बच्चा ज्यादा लंबा है, ये बच्चा हाइट में छोटा है, ये बच्चा मोटा है, तो इस तरीके से हम इसको इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट implies improvement in functioning and behavior and hence brings qualitative changes which are difficult to measure. इसमें ये function और behavior देखा जाता है, then hence इसमें qualitative changes देखी जाती हैं, which is difficult to measure. इसको हम ऐसे easily नहीं, ये ऐसे नहीं किसी को पहले जाके class में देखेंगे तो देखते ही नहीं पता चल जाएगा कि ये बच्चा ज़्यादा इसमें ज़्यादा quality है या फिर ये ज़्यादा अच्छा behave करता है, ये ज़्यादा अच्छा perform करता है या फिर ये ज़्यादा समझदार है, हम इसको नहीं देख सकते और इसको हम ऐसे मेजर नहीं कर सकते जैसे हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं यूनिट के फॉर्म में, कोई मेजरमेंट की यूनिट देके हम ऐसे नहीं इसको मेजर कर सकते। हम डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं बट वेरी कीन ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एटलीस्ट एक साल में उसको नोटिस करेंगे कि हाँ ये बच्चा ऐसा है तो ये बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है, फिर एंड में रिजल्ट अच्छा आया है, तो पूरा एक साल लगा है उसको ऑब्जर्व करने के लिए। तो मतलब कीन वी रिक्वायर कीन ऑब्जर्वेशन इन डेवलपमेंट, बट ग्रोथ में ऐसा नहीं है। ग्रोथ में लाइक हमें नहीं, हम फौरन दिख जाता है, देख के पहचान लेंगे, समझ लेंगे, फिजिकल अपीयरेंस दिख जाता है सामने। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। अ चाइल्ड मे ग्रो इन टर्म्स ऑफ हाइट वेट बट दिस ग्रोथ मे नॉट ब्रिंग एनी फंक्शनल इम्प्रूवमेंट और क्वालिटेटिव चेंज और डेवलपमेंट। ग्रोथ में क्या ऐसा भी हो सकता है कि चाइल्ड जो है वो ग्रो नहीं करेगा, मतलब ग्रोथ है वो कभी कभी डेवलपमेंट नहीं भी शो कर सकता है, मे नॉट ब्रिंग द डेवलपमेंट। और जो चाइल्ड मे ग्रो इन टर्म्स ऑफ हाइट वेट, वो हो सकता है कि चाइल्ड ऐसा ग्रो कर रहा है, उसका हाइट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, बट दिस ग्रोथ मे नॉट बी फंक्शनल, उसके अंदर क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट नहीं है, उस ये हो सकता है। और कोई जो चेंज होना चाहिए जैसे हाइट वेट और एज बढ़ने के साथ जो ग्रोथ होने के साथ जो चेंज होना चाहिए, ये भी हो सकता है कि उसके अंदर वो चेंजेस नहीं आ रही हैं। और देन नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ एज वी सी इन द सम इन सम केसेस इन केसेस ऑफ सम चिल्ड्रन दैट दे डू नॉट गेन इन टर्म्स ऑफ हाइट वेट और साइज बट दे डू एक्सपीरियंस फंक्शनल इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट इन फिजिकल सोशल इमोशनल और इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स। मतलब डेवलपमेंट में ये भी हो सकता है कि वो साइज वेट वगैरह ग्रो नहीं हो रहा है उसका, वैसे वो ग्रो नहीं हो रहा है, बट उसमें एक्सपीरियंस, उसकी मैच्योरिटी, उसका डेवलपमेंट ऑन इन टर्म्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है, उसका फिजिकल इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। इसको एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहले हम ग्रोथ में देख लेते हैं। ग्रोथ में क्या होता है, अक्सर ऐसा देखा है, इवन मेरे ही घर के पास में देखा है कि एक बच्चा है, बच्चा मतलब वो जो है उस वो पहले बिल्कुल ठीक था जब वो छोटा था, चाइल्ड में आई थिंक ही वॉज मे बी वन टू ईयर्स टू एंड मोर देन टू ईयर्स ओल्ड ऐसा कुछ, तो उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया था उस बच्चे का, तो उसको ब्रेन में चोट लग गई थी। ब्रेन में चोट लग, पहले वो बिल्कुल ठीक था जब वो बॉर्न हुआ था, वो बिल्कुल सही था, लेकिन उसको चोट लगने के बाद अब उसमें ग्रोथ हो रही है, वो हाइट में बढ़ रहा है, वो वेट में बढ़ रहा है, लेकिन वो और बच्चों की तरह नहीं है, वो स्कूल नहीं जा सकता, वो बात नहीं कर सकता, उसके लेग्स बिल्कुल सही सलामत है लेकिन वो चल नहीं सकता क्योंकि उसका ऐसा उसका एक्सीडेंट हो गया इस वजह से। ही इज लाइक ग्रोइंग बट कोई उसमें फंक्शनल इम्प्रूवमेंट और क्वालिटेटिव चेंज नहीं है, वो चल नहीं सकता, वो बच्चों को देख के खेलता है, वो खुश होता है, बट वो खेल नहीं सकता, वो दौड़ नहीं सकता।
तो उसके अंदर जो है ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ हाइट वेट, वो एज बढ़ रहा है, बट उसके अंदर जो फंक्शनल इम्प्रूवमेंट है वो नहीं हो रही है, ये चीज है। और फिर डेवलपमेंट में इसको हम ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कुछ होते हैं बच्चे है, होते हैं डॉर्फिज्म हो जाता है किसी के अंदर, वो डॉर्फ हो जाते हैं। यस यस आफरीन, ऐसा भी कई बार होता है कि बच्चों की ग्रोथ तो हो रही है लेकिन वो मेंटली उनकी उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। यस यस दिस विल हाँ, ये जो है लास्ट जो सेवन पॉइंट है ग्रोथ वाला, ये इसको इसके अंदर आता है, मतलब कि ग्रोथ हो रहा है बट मेंटल ग्रोथ नहीं हो रहा है। मेंटल इन द बच्चों कई बार होता है, क्योंकि ये सेम ना ऐसे हमारे फैमिली में है कि बच्चा अभी 5 ईयर्स का है, ठीक है, बट अभी भी वो फुल सेंटेंस या जो एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, कुछ बच्चे जो सेंटेंस फुल सेंटेंस से बोलते हैं कि मम्मा मुझे स्पीच क्लैरिटी नहीं है, वो चीज नहीं होती है 5 ईयर्स का, ये क्वालिटेटिव चेंज नहीं है, मतलब उसमें ये उसमें ग्रोथ है, ये उसका एज बढ़ रहा है, उसका हाइट बढ़ रहा है, लेकिन उसमें क्वालिटेटिव चेंज कुछ हो रहा है, बट क्वालिटेटिव चेंज की कम है, 5 साल के बच्चे की तरह बिहेव नहीं कर रहा। यस, जब उसके एज के बाकी बच्चे जैसे बिहेव कर रहे हैं बट वो बिहेव नहीं कर रहा है वैसा। यस तो दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ में भी ऐसा भी हो सकता है, लाइक हाइट वेट ग्रो होगा बट फंक्शनल इम्प्रूवमेंट उसमें, क्वालिटेटिव चेंज उसमें नहीं, डेवलपमेंट उसमें नहीं होंगे, तो ये इस कैटेगरी में आ जाता है। एंड देन ये वाला जो है लाइक देखा है कि कुछ बच्चे जो होते हैं मतलब थोड़े से नहीं वो डॉर्फ होते हैं, या ऐसा भी देखा जाता है कि फिजिकली वो साइज में नहीं बढ़ते, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, मतलब उनका एज बढ़ रहा है मगर वो उतने ही हाइट के हैं, उतने ही दुबले पतले हैं, उतने जैसे एक मैच्योर बॉडी होती है वो फॉर्म ही नहीं हो रही है, बट वो लोग मैच्योर हो रहे हैं, वो जो विजडम है उनके अंदर वो हर बड़े एडल्टहुड की तरह जो बातें होती हैं काम होते हैं वो कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, लाइक हाइट वेट होगा बट ये क्वांटिटेटिव नहीं हो, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होगी बट क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट उसमें होगी। ओके, लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नाउ ये जो एडोलेसेंस की जो ये स्टेजेस हैं, तो अर्ली एडोलेसेंस को ज्यादातर 11 से 14 इयर्स के बीच में रहता है ये, देन मिडिल एडोलेसेंस जो है ये 14 ईयर 14 साल से 18 साल की उम्र तक का मिडिल एडोलेसेंस होता है, एंड लेट एडोलेसेंस 18 साल से 21 साल तक। लेकिन अभी करेंट सिचुएशन में बताएं कि अभी जो है आजकल के जो टीचर्स और पेरेंट्स हैं बच्चों की जो एडोलेसेंस एज को फेस कर रहे हैं वो 9 ईयर्स में भी देखे जा रहे हैं, 9 ईयर्स में स्टार्ट हो जा रहे हैं, लाइक 9 ईयर्स में ही बच्चों को देखा है कि वो प्यूबर्टी एज में पहुंच जा रहे हैं, थोड़ा ये जो जनरेशन है हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है इनमें जल्दी एडोलेसेंस स्टार्ट हो गया है, ये चीज़ है।